सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है हमसे, और फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट अंडर में हमसे रूट के 7 नंबर। के स्क्वायर -2k+1, के स्क्वायर -2k+1 ((k+1)। यह तो असल में टीचर इसको सॉल्व यही कर है। लेते हैं, असल में ये फार्मूला है a³ + b³ का फार्मूला है। बहरहाल हमने दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये बात पता है जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने हो तो ये जो पहला वाला नंबर है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकंड वाला एलिमेंट है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला एलिमेंट है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले के स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले लिख के दिखा देता हूँ कि के स्क्वायर पहले k+1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर -2k ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा यानी कि k+1 से, और फिर इसका +1 भी जो है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, के स्क्वायर के से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा, तो जब के स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, K³। k³, और k 1 ज़ा k, और -2k को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k² और -2k 1 ज़ा -2k, ये -2k और +k 1 ज़ा k और +1 1 ज़ा 1। अब आप इसको देखिए k³। अच्छा अब ये देखिए -2k है और 1k, +k और 1k, 1k और 1k, 2k और -2k, कैंसिल हो जाएगा ये, यस सर, जी तो ये वाला के और -2k ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सर। 2K² -2k² +1। बस इससे ज्यादा मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं हो सकता, ये रिजल्ट है इसका, फोर्थ पार्ट का ये रिजल्ट है। इज इट क्लियर? जी सर, यस सर। अच्छा व्हाट अबाउट दी थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट में कह रहा है x² + 4x + 4 और अपॉन x+2। अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई करना है, x² + 4x + 4 इसको याद रखें जरा जहन में, अपॉन में x+2 आ रहा है, x² + 4x + 4 थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट यही सॉल्व कर देते हैं, थर्ड पार्ट x² + 4x + 4 और अपॉन में क्या आ रहा है x+2। x+2। तो ये ऊपर मेरे ख्याल से होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को हम ये लिख देते हैं +2a, ये आ गया, और ये 4x है ना तो इसके साथ 2 होना चाहिए मजीद ताकि 4x बन जाए, और प्लस इसको 2 का स्क्वायर। क्या ये मैंने चीज समझ में आई आपको, मैंने कैसे लिखा है ये जी सर, सही है? तो अब ये क्या बन गया, a² + 2ab + b² तो ये बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ से आएगा और b हमारे पास यहाँ से आएगा, a+b का होल स्क्वायर, a+b हमारे पास यहाँ से आएगा का होल स्क्वायर अपॉन x+2। तो ये x+2 का होल स्क्वायर, ये x+2 है, तो ये x+2 एक एक से कट जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x+2। इज इट? सर ऊपर वाले में हाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते? क्वाड्रेटिक लगाते जब है जब ये ऐसा हो, मतलब इक्वल टू 0 हो, यानी कि x² + 4x + 4 = 0, जब इक्वल टू 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगाया जाता है। यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है, एक्सप्रेशन है ये, इसमें इक्वल टू 0 नहीं है, इस तरह की शक्ल होती तो फिर आप क्वाड्रेटिक लगाते, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन है और ये इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन पे नहीं लगाते। अच्छा सर, एक और चीज, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते? इसको फैक्टराइजेशन बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये चीज आएगी, अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो बिल्कुल यही चीज आएगी। करके दिखाऊं या ठीक है हो, सर। समझ में आ गई बात? नहीं नहीं सर, समझ गई। नहीं, मैं समझ गई। सही, तो फोर्थ पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। एनी क्वेश्चन? ऑल ऑफ देम व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में कैलकुलेट द फॉलोइंग 2 वेरिएबल का फंक्शन है, क्या कैलकुलेट करना है? बहरहाल लिख लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है।
एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, बताओ भी जरा ये सेकंड पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर होल्ड ऑन माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई की पावर फाइव प्लस टू वाई की पावर फाइव प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई। सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या करें बताओ भाई, क्या आइडिया है, क्या कॉमन आ रहा है वाई इन दोनों टर्म को एक साथ कर लें क्या, एक्स वाई वाली को कर लें सर। सर ये क्वेश्चन कुछ चैप्टर फोर डोमेन से लग रहा है। नहीं उसमें डोमेन फाइंड करने को नहीं कह रहा आपसे, ये इसमें कहाँ लिखा है कि फाइंड द डोमेन, नहीं सर मतलब कि यहाँ पर एक्स वाई वाली जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है मतलब जो ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई है, ये हमने डोमेन की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 40 के दरमियान तक कुछ तरह का किया था हमने। नहीं वो एक ही वेरिएबल था, दो वेरिएबल नहीं थे। दूसरी बात ये कि ये फंक्शन जब दिया जाता है जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई हो, अगर फंक्शन एक्स वाई का ये दिया हुआ है आपसे कहेगा फाइंड एफ ऑफ 1, 2, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ये वाला, कि एक्स की जगह पे 1 वाई की जगह पे 2 पुट करें और वैल्यू फाइंड कर लें। अब ये मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो क्या कैलकुलेट करें, इसमें तो वैल्यू दी नहीं है आपने, तो हम क्या कैलकुलेट करें। बहरहाल बहरहाल ये इनकम्प्लीट है, लेकिन जो भी स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। इसमें देखो अगर कॉमन कुछ निकल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, वरना तो मुझे बताए कुछ तो अगर वाई कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में एक्स और वाई कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से वाई बचेगा और यहाँ से प्लस फोर बचेगा, फोर और अगर यहाँ से कॉमन लें तो क्या वाई वाई स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन लें तो एक्स माइनस थ्री, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा यार, ये तो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। ये क्वेश्चन के बाद ना उसको लिखना चाहिए था इस तरह का, मेरे हिसाब से ये सवाल तो ये होना चाहिए था फाइंड एफ ऑफ 1, 2 या 3, 4, इस तरह का सवाल होना चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह सकते हैं, तो मैं इसको देख लूंगा, मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। बहरहाल असल में इसके ऊपर ना डोमेन वाला क्वेश्चन भी है चैप्टर फोर का, तो इसलिए मुझे लगा शायद ये इंटर रिलेटेड है। होल्ड ऑन find the domain of the function this, the domain of the function this is, अच्छा domain find करनी है, लेकिन नीचे वाले के लिए तो स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई उसने, नीचे वाले की डोमेन आप फाइंड कर भी नहीं सकते, आपको टू वेरिएबल में आपने डोमेन कहाँ फाइंड करना सीखी है। जी सर बहरहाल बहरहाल वापस आ जाते हैं जी, तो इश्यू रिजॉल्व हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला हो गया, सही है। नीचे आ जाते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है, कन्वर्ट टू द बेस ई फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिए हुए हैं, कह रहा है इसको बेस ई में कन्वर्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसके दो पार्ट आपको दिए हैं, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्वेश्चन 5 के पहला फंक्शन जरा इसको याद रख लीजिए, मुझे लिखवाइए क्या है फंक्शन, ये क्वेश्चन 5A का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5A फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है फंक्शन, f of x is equals to 1.6 होल स्क्वायर, x होना चाहिए बेटा, x होना चाहिए। एक ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन ये बड़ा पॉपुलर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल एक्स, क्योंकि e भी असल में एक नंबर होता है, e की आप वैल्यू निकालेंगे ना 2.73 कुछ होती है, तो ये असल में ये भी एक नंबर होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बड़ा पॉपुलर है कि e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि हम ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, b की पावर x को, b को नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए
और b को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि b को वन नहीं होना चाहिए। अगर वन की पावर x होगी तो वन की कोई भी पावर हो तो वो वन हो जाता है, तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा और नेगेटिव लेना नहीं आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, वन के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, उसकी पावर एक्स जो होगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस टू, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस टू, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस टू, क्योंकि इसकी बेस टू है, टू द बेस टू। एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस थ्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस वन अपॉन फाइव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस ई। तो ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन पॉपुलर ज्यादा ये हुआ हुआ है तो हर कोई समझता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगली बात यह है कि अब आपसे सवाल में कह रहा है कि ये सारे डिफरेंट बेसिस के भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन आप इनको कन्वर्ट कर दीजिए बेस ई के अंदर। सर क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए, सवाल में आपसे ये कह रहा है कन्वर्ट टू द बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको बेस 1.6 का एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन कह रहा है बेस ई में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर ये फंक्शन जो कि आपको दिया हुआ है 1.6 की पावर एक्स, ये ई में कैसा लगेगा, मतलब ई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे सेट ई रेस पावर एन इज इक्वल टू बी, यानी कि 1.6 जो भी बेस होगी आप उसको e की पावर n के बराबर ले लेंगे, क्योंकि हम इसको e की पावर n में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट ये, मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? सर ये n हमने क्यों कंसीडर किया है? हम चूंकि हमने बेस e में कन्वर्ट करना है तो हम इसको हमेशा सेट e की पावर n के बराबर 1.6 को लेंगे, जो भी बेस होगी उसको बेस को e की पावर n के बराबर हमेशा लिया जाएगा। ये तरीका है, मेथड है करने का। और इतना करने के बाद आपने n फाइंड करना है, आपका टारगेट ये है कि आपने n फाइंड करना है। अब n फाइंड करना तो बड़ा आसान है, आपको मालूम है कि जब e खत्म होगा तो n फाइंड होगा, तो e कैसे खत्म होगा कोई बता सकता है? सर टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। एक्सीलेंट, टेकिंग ln बोथ साइड, e को खत्म करने के लिए हम ln लेते हैं, तो टेकिंग ln बोथ साइड। तो जब ln लेंगे तो ln से e उड़ गया, ये रह गया n, और यहाँ पे आ गया ln। ln तो यहाँ पे भी आया था लेकिन उसने e को उड़ा दिया तो n हो गया, तो ln 1.6। तो कोई कैलकुलेटर से ln 1.6 की वैल्यू बता दे। 0.47। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अगर हम वापस n की वैल्यू पुट कर दें तो फिर क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट e की पावर 0.47 ये बराबर आ गया 1.6 के। इज इट क्लियर? अब चूंकि आपका 1.6 इसके, देखिए मैंने n की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है, n इक्वल टू 0.47 है, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये बराबर आ गया 1.6 के, और ये हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो गया। कैसे? हमारा फंक्शन तो था कि 1.6 की पावर रेज पावर x था, लेकिन चूंकि आप मालूम कर चुके कि 1.6 किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल 0.47 के बराबर है, तो लिहाजा 1.6 की जगह पर आप रख दीजिए एक्सपोनेंशियल 0.47, और पावर जो ऊपर x आ रही है वो वैसी रहेगी, और आपको मालूम है कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो लिहाजा सो दिस केम आउट टू बी एक्सपोनेंशियल 0.47x, ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल के अंदर। इज इट क्लियर और नॉट? सर 0.47 में 1.59 आ रहा है, तो मतलब राउंड अप कर दिया इसको। आपने ln 1.6 की जब वैल्यू निकाली है तो उसको 2 डेसिमल फिक्स कर दिया है? जी सर। सही है, क्लियर है, सही है, कोई इशू नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये छोटा सा स्टेप है, छोटा सा प्रोसीजर है, इसके जरिए से आप बेस ई में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, सही, तो आप लोग इतना कॉपी में टाइम ना लगाए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो अब इसका सेकंड पार्ट भी है, तो क्या ये भी मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर लेंगे? सर हम कर लेंगे सर, ये तो आसान है, कर लेंगे। अभी करके दिखाइए जरा, अभी ट्राई कीजिए इसको, दो मिनट। सर अभी हम बाहर होटल पे बैठे हुए, कैसे करें यार, रजिस्टर एंड कैलकुलेटर कुछ भी नहीं है। तुम क्लास लेने के लिए होटल पे बैठे हो? नहीं सर, मैं होटल पे बैठा हुआ था बाहर दोस्तों के साथ, बट क्लास आ गई अर्जेंटली।
आपकी क्लास डिसाइडेड नहीं थी क्या पहले से? सर पहले से डिसाइडेड थी, और जब आपने आपसे शाम को बात हुई थी तभी मैंने ग्रुप में रिमाइंडर भी डाल दिया था। सर टाइम 8 बजे का था, पौने 10 पे इकरा ने लिखवा दिया, पता नहीं मतलब इकरा क्या चाह रही है। अच्छा बैर हमारे पास मौजूद है, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स? सर टी यहाँ पर टाइम या फिर एन, मतलब एन की तरह ही टाइम टी है। टी वेरिएबल है, जहाँ पे एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ क्या है, 0.3 टी। तो हमें तो सरोकार है इससे, मल्टीप्लाई में नंबर, इससे भी हमें कोई सरोकार नहीं। हमारे पास जो बेस आ रही है वो 0.3 आ रही है। तो आपका पैटर्न ये होता है कि आपके पास जो बेस आ रही होती है ना, अब ये टी हो या एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो बेस आ रही है आप उस बेस को ई एन के बराबर ले लेते हैं। तो लिहाजा उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपने बेस को एन के बराबर लेना है। सेट e रेज पावर n इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है 0.3, जिसके ऊपर पावर होती है वो बेस होती है। सो नाउ अगेन टेकिंग ln बोथ साइड यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, टेकिंग ln बोथ साइड। सो ln से e उठ जाएगा, n इज इक्वल टू ln ऑफ 0.3। तो कोई बता सकता है ln ऑफ 0.3 -1.20, तो -1.20 ये n की वैल्यू आ गई, और जो n की वैल्यू आई है वापस पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -1.2, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0.3। सो योर रिजल्ट बिकम्स एफ ऑफ टी, जो कि आपका सवाल था और जो कि इस तरह दिया हुआ था 10 × 0.3 रेज पावर टी, सो दिस केम आउट टू बी 10, तो ऐसी रहेगा। 0.3 को चुके आप कन्वर्ट कर चुके हैं बेस ई में, तो लिहाजा 0.3 की जगह पे आप लिख दीजिए एक्सपोनेंशियल -1.2 मल्टीप्लाई बाय टी। पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, सो दिस अगेन केम आउट टू बी -1.2 टी। हैव यू गॉट इट? यस सर। और कुछ इसके बाकी है? अगर 0.3 नहीं होता तो हम ln 10 लेते हैं, अगर 0.3 नहीं होता और 10 की पावर t होती। हाँ, अगर 0.3 ना होता और 10 की पावर t होती तो आप e रेज पावर n को 10 के बराबर लेते जी, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये भी क्लियर हो गया। सर ऊपर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ये चार इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें जो है वो इक्वेशन को फुलफिल जो है वो करना था, और उसके बाद जो उसका जो आंसर आता है वो दो इक्वेशन में रख के उसको सैटिस्फाई करना था, ये वही वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3? जी जी बिल्कुल, ये वही क्वेश्चन, जी बिल्कुल यही क्वेश्चन। क्लियर है? जी सर। यस सर। चलो यस सर। अबे देखिए एक और पेपर है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन ये रहा, ये वही आया हुआ है, कन्वर्ट टू द बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फंक्शन ऑफ यू आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो अब आप ऐसा करेंगे दोनों को अलग अलग कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करने के बाद फिर हम एट द एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या मतलब? मतलब ये कि आप लिखेंगे सेट ई रेज पावर एन इज इक्वल टू, पहले बेस क्या आ रही है 0.6, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, और हमने एक छोटी सी लाइन लगा दी, और हम यह लिखेंगे सेट e रेस पावर n इज इक्वल टू, ये सेकंड वाली क्या है बेस 1.6, ये हमने यहां पे लिख दी। अब आप इन दोनों को कन्वर्ट कीजिए और बताइए कि क्या आ रहा है, कन्वर्ट कीजिए अभी। टेकिंग ln, ये मीटिंग 10 मिनट में ऑफ हो रही है, तो अगर ये मीटिंग ऑफ हो जाए तो फौरन से दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। टेकिंग ln बोथ साइड, तो अगर ln दोनों तरफ लेंगे तो ln से e खत्म हो गया, n इज इक्वल टू ln ऑफ 0.6, तो कोई बता सकता है कि 0.6 का -0.19 यही आ रहा है? क्या बोल रही हो भाई,
एलएन 0.6 क्या आ रहा है, फिक्स कर ले कैलकुलेटर को, टू डेसिमल में बताएं एलएन। हाँ सर फिक्स किया हुआ है, 0.51 आ रहा है, -0.51। -0.51 वेरीफाई कीजिए बाकी लोग। जी जी सर, जी सर मेरा कैलकुलेटर एरर दे रहा था। -0.51 ये वैल्यू आ गई हमारे पास, -0.51। और इस -0.51 को अगर हम पुट कर दें यहाँ पर n की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा e रेस पावर -0.51, n की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू 0.6। ये एक तो कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये काम कीजिए, टेकिंग एल एन बोथ साइड, और एल एन से तो ई उड़ जाएगा, तो एल एन ऑफ 1.6। सो कैन एनीवन टेल मी अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस एल एन ऑफ 1.6? 0.47। तो ये एन की वैल्यू आ गई। अब ये एन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल 0.47 दैट इज इक्वल टू 1.6। दोनों नंबर कन्वर्ट हो चुके हैं बेस ई के अंदर। अब ये आगे क्या काम करना है जरा देखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ यू इज इक्वल टू 0.6 रेस पावर यू और मल्टीप्लाई बाय 1.6 रेस पावर 2u। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.6 किसके बराबर आ गया पापा, ये 0.6 जो है ये आ गया एक्सपोनेंशियल -0.51, एक्सपोनेंशियल -0.51 के बराबर आ गया, और पावर यू है तो लिहाजा ये ब्रैकेट के ऊपर पावर यू लगा दें। इसी तरह 1.6 जो है ये कन्वर्ट होके हमारे पास आया है एक्सपोनेंशियल 0.47, तो एक्सपोनेंशियल 0.47 और इसकी पावर 2u है तो लिहाजा ये 2u लिखते हैं। हमें ये बात पता है कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल -0.51u और यहाँ से आएगा एक्सपोनेंशियल, जरा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.47 को, 0.94 आ जाएगा शायद। 0.94 0.94 अब ये भी फंक्शन ऑफ यू है ये भी फंक्शन ऑफ यू है बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है तो 0.94 यू में से माइनस कर दीजिए 0.51 यू, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 0.43 0.43 यू। दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। Have you got it, all of you? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ये पेपर सॉल्व हो गया हमारा, ये जो अलग से था, ये फोर्थ वन एक ही क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। ये तो कंप्लीट था, ये कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट वाला भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन टू के मुतालिक बताइए, क्वेश्चन टू देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन टू पे क्यों टिक किया हुआ यार तुमने, ये मुश्किल सवाल है क्या, ये क्या लिखा हुआ है? सर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें जो है वो वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो है वो एक्स दिया हुआ है 17 और निकालना है, सॉल्व करना है। कौन बताएगा ये फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट पढ़िए और सकून से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और पढ़ के बताइए कि सर इसमें इकरा बताएगी। भाई आप अपनी बात करें, दूसरे की बात ना करें, आपस में बातें ना करें। ये फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है कौन इसको पढ़ के बताएगा कि इसमें क्या काम करना है? ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट डिसेंटेस, एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, What is the y coordinate of the point when x equal to 17? अगर x equal to 17 इस equation में रख दिया जाए तो बताएं y क्या होगा? तो सर पहले तो हमें इसकी equation बनानी पड़ेगी 2 point की। हाँ, तो आप 2 point से आप equation बना लीजिए इसकी। जब आपके पास x y में equation आ जाएगी तो फिर आप उसमें x की जगह पे 17 put करेंगे तो आपको y coordinate मिल जाएगा। So first you have to form the equation। और आपको पता है कि 2 point से equation कैसे बनाते थे, कुछ याद है? आपको पता है कि 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे बनाते थे? एक एक इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ इक्वेशन, वी नीड अ पॉइंट एंड अ स्लोप। एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते थे ना आप।
तो हमें उसका स्लोप चाहिए होता है और उसका पॉइंट चाहिए होता है। तो सर पॉइंट तो एक मौजूद है, इसको यूज कर लेंगे, तो क्या इन दोनों पॉइंट को यूज करके आप स्लोप ही निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं सर। तो ये कौन करेगा क्वेश्चन फिर? सर हम ट्राई करेंगे, सर हम कोशिश करेंगे, हम खुद से कोशिश करेंगे सर। अभी करें, ये दो पॉइंट मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर टू, कोशिश करेंगे, अभी तक तो की नहीं कोशिश, अब कोशिश करेंगे। आप ए का नाम दे दीजिए, क्या कोऑर्डिनेट से बताइए जरा। 2, 3, 2, 3, पहले पॉइंट को हम एक्स वन कॉमा वाई वन कहते हैं। -5, 6 इसको एक्स टू वाई टू का नाम देते हैं। दो पॉइंट हमें मिल गए, तो लिहाजा स्लोप निकाल लीजिए। आपको दो पॉइंट स्लोप निकाल 3 divided by 7 यूजिंग स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जरा बताइए कि y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 पॉइंट मौजूद है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी को याद है पॉइंटेड स्लोप फॉर्म? y1 माइनस y इज इक्वल टू m x माइनस x1 x y। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, y तो ऐसी रहेगा माइनस y1, y1 क्या है पॉइंट पे जाए, y1 हमारे पास 3 है, तो y1 को 3 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू m 3 अपॉन माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 7 एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन हमारे पास है 2। हारिस है कोई हमारी क्लास में? हारिस जी सर है। अच्छा एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है? 2 सर, 2। अच्छा 7 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 इंटू वाई माइनस 7, 3 21, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स, तो माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस 3, 2 6। तो अगर हम इसकी शक्ल अच्छी करें क्वेश्चन की, माइनस 3x को यहाँ ले आते हैं तो प्लस 3x हो जाएगा सर, 3 के साथ माइनस नहीं था, माइनस तो y के 7 के साथ था। वो एक ही बात है अल्लाह की बंदी, अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है माइनस 3 अपॉन 7, 3 अपॉन माइनस 7 and minus times of 3 upon 7, they all are same in terms of fraction, they all are same। आप minus 7 के साथ लगा लें आपको वही रिजल्ट मिलेगा, तो minus 3x को वहां ले गया, plus 3x हो गया, और minus 21 यहाँ पहले से मौजूद था, plus 6 वहां जाके minus 6 हो गया, so this equal to 0, so this came out to be what, 3x plus 7y minus 27, ये आपके पास equation आ गया। इसको आप 1 का नाम दे दीजिए, बात नहीं, आप माइनस 7 यहाँ लगा लें, कोई इशू नहीं, यू विल गेट द सेम इक्वेशन, कोई इशू नहीं सर। एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे, जैसे माइनस 7 उधर गया इज इक्वल टू के, तो वो प्लस 7 हो गया, अब जो मेरा नहीं, माइनस 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, प्लस थोड़ी होगा भाई, अगर यहाँ पे माइनस 7 होगा, 7 जैसे वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस 7 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस थोड़ी हो जाएगा, तो माइनस तो डिवाइड के अंदर है सर। माइनस 7 का मतलब मेरा ये था कि माइनस 7y। अच्छा आपका यहाँ माइनस 7y आ रहा है, तो फिर माइनस 7y आ गया, जब मैं इज इक्वल टू के उधर लेके गई तो वो प्लस 7y हो गया,
ठीक है ना, लेकिन जब मेरा ये जो 3 के साथ माइनस था वो माइनस माइनस करके प्लस 21 हो गया, अब प्लस 21 मेरा थ्री के साथ माइनस 21 बेटा, अब 3 के साथ माइनस थोड़ी होगा क्योंकि आप तो माइनस 7 कर चुकी हैं, माइनस 7 तो आप नीचे ले गई थी, तो आप ऊपर जो 3 है ना वाई के साथ वाला, आप आपका एक्सप्रेशन लिखवाएं, क्या बना आपके पास एक्सप्रेशन लिखवाएं जरा, मल्टीप्लाई के बाद क्या एक्सप्रेशन बना, माइनस 7y प्लस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस, ये बन रहा है माइनस 6 माइनस 6 ये बन रहा है जी सर, तो सही है, तो ये आप माइनस 7y को भी वहां ले जाएं और प्लस 21 को भी वहां ले जाएं, तो क्या होगा 3x पहले से मौजूद है, माइनस 7y वहां जाके प्लस 7y हो गया, माइनस प्लस 21 वहां जाके माइनस 21 हो गया, तो माइनस 21 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 27 हो गया, सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सर असल में कंफ्यूज हो गई थी, चलो कोई बात। अच्छा क्वेश्चन क्या था, हमने इक्वेशन तो बना ली लेकिन क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हेन एक्स इक्वल टू 17, अब चूंकि आपके पास इक्वेशन आ चुकी है तो लिहाजा आप इक्वेशन के अंदर x को 17 पुट कर दीजिए, आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सो नाउ वी हैव टू पुट x इक्वल टू 17 इन दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y, सो नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू x इक्वल टू 17, पुट x इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1, तो द y कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, देयरफॉर 1 becomes 3 x की जगह पे 17 पुट कर दें और प्लस 7y और माइनस 27, तो इक्वल टू के अंदर जाके प्लस 27 हो जाएगा। अच्छा जी, तो 17 3 जा 51 और 51 को वहां ले जाएं तो वहां ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 51, माइनस कीजिए तो क्या आ रहा है 27 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 24, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये चूंकि डिवाइड नहीं हो सकता द वाई कोऑर्डिनेट विल बी दिस, हमने इक्वेशन सही बनाई है, कुछ शक्ल अच्छी नहीं लग रही इसकी वाई कोऑर्डिनेट की, नेगेटिव में आ रहा है सर, पॉइंट तो सही लिए ना हमने क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, माइनस 5 कॉमा 6 3 माइनस 7 सही है, सही है जी, सही है, हैव यू गॉट इट ऑल ऑफ यू, यस सर, सिर्फ एक दो की आवाजें आ रही हैं, बाकी क्या है ऑडियंस सिर्फ सुनने पे इक्तिफा कर रही है, यस सर, यस सर, अच्छा अच्छा जी, सेकंड पार्ट पढ़िए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं आप, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, What is the slope of any line parallel to the given line? अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? भाई जो यही होगा जो अभी हमने लगाया था। जो ऊपर वाली लाइन का स्लोप होगा वही इसका होगा क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप तो इक्वल होता है। Yes sir. तो आप क्या लिखेंगे? What is the slope of any line parallel to the given line? Sir हम वही लिखेंगे जो m is equal to 3 अपॉन माइनस 7, आपको इस पे आर्गुमेंट भी लिखना पड़ेगा ना सर, लिखेंगे कि अगर L1 पैरेलल है L2 के तो M1 इक्वल होगा M2 के, और फिर नीचे वो लिख देंगे कि M1 ये था तो वो M2 ये होगा, आप ऐसा कर लीजिए इसको इस तरह लिख लीजिए कि एक लाइन तो आपके पास मौजूद है ये वाली लाइन 3x plus 7y minus 27, ये तो given line है ना, आप इसको L1 का नाम दे दीजिए, क्या है 3x minus 7y minus 27, यही line है सर, plus plus कहाँ पर है, plus 7, यहाँ plus 7y, और L2 आपके पास क्या है, any line, कोई भी line है, अच्छा let M1 be the slope of L1 और M2 be the slope of L2
तो ये एनी लाइन है, लेकिन कह रहा है कि गिवन दैट एज एल वन इज पैरेलल टू एल टू, दिस इंप्लाइज दैट एम वन इज इक्वल टू एम टू. सो दिस इंप्लाइज दैट द स्लोप ऑफ एम टू, यानी कि एनी लाइन, एली लाइन का स्लोप क्या होगा, वो भी यही होगा, यानी कि माइनस थ्री अपॉन सेवन. मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा. जी सर. Are you getting all of you? Yes, sir. What about third part? Perpendicular निकालना है. What about the third part? What is the slope of any line perpendicular to the given line? आप क्या करें? Sir, अब इसका थोड़ा सा जो sir वो करेंगे m1 m2 is equals to minus one करके. सब कुछ सेम है ना? तो थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे? हम वो एज वाली लाइन में L1 is perpendicular to L2, फिर implies का साइन आ जाएगा, फिर हम जो है वो उसका फॉर्मूला लगा देंगे. M1 M2 is equal to minus one, product minus one के बराबर होगा. लेकिन चूंकि आपने M2 का स्लोप निकालना है, तो M2 is equal to minus one upon M1. और M1 का स्लोप आपको मालूम है, क्या है M1 का स्लोप? Minus three upon seven. माइनस थ्री अपॉन सेवन. तो माइनस से माइनस कट जाएगा, थ्री अपॉन सेवन है तो ऊपर जाके पलट जाएगा, सेवन अपॉन थ्री हो जाएगा. ऐसे ही होगा जी सर, ऐसे ही होगा. व्हाट अबाउट द फोर्थ पार्ट? आज तो बहुत सर में दर्द हो रहा है. जी 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 सर, इक्वेशन फाइंड करनी है पैरेलल लाइन की. पॉइंट आपको एक गिवन है, मतलब फाइव यूनिट्स के हैं, और अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो. असल में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो लिखना चाहिए था ना इसको, पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड फाइव यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस. समझ रहे हैं आप? फाइव यूनिट्स अबव एक्सिस का मतलब पॉइंट कौन सा दिया हुआ है इसने? स्लोप गिवन, आई थिंक सो. अस्त पार पढ़ लो लकी बंदी. सॉरी सर. एक्स एक्सिस ये है ना, ये एक्स एक्सिस है. फाइव यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस, फाइव यूनिट्स अबव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये तो फाइव, तो ये तो इसका पॉइंट क्या होगा जब फाइव यूनिट अबव है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये तो वाई एक्सिस है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसमें तो एक्स जीरो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स ये नहीं होंगे जीरो फाइव. तो इसका मतलब है कि हमने वो इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, और पैरेलल जो है वो किसके गिवन लाइन के पैरेलल है, जो आपने ऊपर बनाई थी उस लाइन के पैरेलल है. सही. तो हम इसको अब ऐसे सॉल्व करते हैं जरा फोर्थ पार्ट को. फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं. दो लाइनें लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट. लेट एक लाइन तो वो है जो हमें मालूम है L1, क्या थी वो? 3x plus 7y minus 27 is equal to 0. और L2 जो है वो लाइन जो है वो रिक्वायर्ड लाइन है, यानी कि ये हमने मालूम करनी है, इसकी इक्वेशन हमें मालूम करनी है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन. तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको एक पॉइंट भी चाहिए और एक स्लोप भी चाहिए. तो आपको ये पता है कि L2 किस पॉइंट से पास हो रही है? L2 पासेस थ्रू, अभी आपको बताया हमने पॉइंट 0,5. L2 पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5. पॉइंट 0,5. इसको तो आप एक्स वन वाई वन का नाम दे दीजिए, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है जो कि मिल गया है. अब हमें इसका L2 का स्लोप चाहिए. तो L2 का स्लोप निकालने के लिए हम कहते हैं कि L, let M1 be the slope of L1 और M2 be the slope of L2. ये हम let कर लेते. सही है. अच्छा, M1 का स्लोप तो हमें मालूम है. M1 का स्लोप क्या है? ये तो हमें मालूम है. क्या है? -3/7. तो M1 तो हमें मालूम है कि -3/7.
और हमें निकालना है एम टू का स्लोप, लेकिन लाइनें आपस में दोनों क्या है? पैरेलल। तो एस एल वन इज पैरेलल टू एल टू, दिस इंप्लाइज दैट एम वन इज इक्वल टू एम टू। तो एम टू हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस थ्री अपॉन सेवन। तो अब हमारे पास एम टू का स्लोप भी आ गया और एम टू का पॉइंट भी आ गया। मेरे ख्याल से अब तो क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो यार। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगेगा जी, बिल्कुल, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एक्स। जी, तो y माइनस y1, y1 क्या है? 5 इज इक्वल टू m माइनस माइनस 3 अपॉन 7 और x माइनस x1 जीरो। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए वहां पे, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35 इज इक्वल टू माइनस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 3x। तो माइनस 3x वहां जाके प्लस 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड। हैव यू गॉट इट? यस सर। मेरे ख्याल से ये पेपर कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ बचा है क्या? ये बी पार्ट नहीं हो रहा आप लोगों से? फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ये नहीं हुआ सॉल्व तुम लोगों से हैं? भाई कॉस्ट फंक्शन में आते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के साथ एक्स आता था। जी, इसकी तो बड़ी प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने, और इसकी इक्वेशन मैंने बनाई तो थी, इसकी 4a की इक्वेशन ही बनाई थी मैंने। भाई बोलो तो हाँ ना तो करो, क्या कहाँ पे हो, सारे सो रहे हो क्या? सर 4a वाला मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए अटक गए थे। हाँ सर, बाकी लोगों से नहीं हुआ सर? सभी अटक गए थे, हम लोगों ने एक दूसरे से पूछ लिया था आपस में, तो किसी से हुआ नहीं जब ये क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। शिजा यस सर, ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन, ये फोर का बी? नो सर, ये वाला नहीं हुआ। 4a और 4b दोनों नहीं हुआ। 4b की जो रिक्वायरमेंट है नंबर 2, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। 4a में क्या कह रहा है? फर्म प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, a रिक्वायर्स 5 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, b रिक्वायर्स 3.5, c रिक्वायर्स 7.5 फॉर ईच प्रोडक्ट इफ 240 आवर्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग द कमिंग वीक। सही है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट, स्पेसिफाई ऑल पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ द 3 प्रोडक्ट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग 240 आवर्स। व्हाट आर द मैक्सिमम क्वांटिटी व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड टू ईच इफ ओनली वन प्रोडक्ट इज यूज्ड। भाई ये देखो, इसमें आप लेट कर सकते हैं, लेट x be the number of units of product A, let x be the number of units of product A, ये discuss नहीं किया था क्या यार? मुझे तो याद आ रहा है। और y be the number of units of product B and z be the chart number type, कोई सवाल था I think so। नहीं, ये कोई chart number वाला नहीं है ये। तो x जो है प्रोडक्ट a के यूनिट है, y प्रोडक्ट b के हैं, z प्रोडक्ट c के हैं। तो प्रोडक्ट a रिक्वायर्स 5 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 5x एंड द प्रोडक्ट b रिक्वायर्स 3.5 आवर्स 3.5y एंड द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 7.5 आवर्स प्लस 7.5z। और टोटल प्रोडक्शन आर क्या है? इफ 240 आवर्स आर अवेलेबल, सो यू हैव ओनली 240 आवर्स। So this is your equation one. Now you have to do what? What are the maximum quantities
विच कुड बी प्रोड्यूस फॉर ईच प्रोडक्ट इफ ओनली वन प्रोडक्ट इज यूज्ड। तो अगर आप कोई एक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बाकी वाई और जेड को जीरो पुट कर देंगे। मैं प्रोडक्ट ए के लिए काम करवा रहा हूँ, बाकी आप यही काम सेम इसके लिए करेंगे। फॉर प्रोडक्ट ए, मैं फॉर प्रोडक्ट ए के लिए काम करवा रहा हूँ कि प्रोडक्ट ए के मैक्सिमम यूनिट्स कितने बनेंगे प्रोडक्ट ए के लिए। अच्छा, कोई बता सकता है कि मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम कितने होंगे? प्रोडक्ट ए तो एक्स है ना, मिनिमम जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, ये मिनिमम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, या तो जीरो होंगे या उससे ज्यादा होंगे, जीरो से कम नहीं हो सकते। तो मिनिमम क्या होगा? एटलीस्ट जीरो तो होंगे ही होंगे। तो ये मिनिमम क्वांटिटी है सिंस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोडक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। मैं बहुत घुसा के लिखूं, कैन नेवर बी नेगेटिव। इसको और थोड़ा छोटा कर दूं। आर यू गेटिंग? अच्छा, अब इसके मैक्सिमम यूनिट कैसे निकलेंगे? एक्स मिनिमम तो हर एक का मिनिमम ऐसे ही होगा। वाई के लिए काम करेंगे तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट बी के लिए काम करेंगे। जेड के लिए काम करेंगे, ये जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फॉर मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है, फॉर मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, यहीं पे कर दूं काम? क्या समझ जाओगे? फॉर मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए पुट वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो इन वन। वन में पुट कर दें वाई और जेड को, जीरो पुट कर दें तो क्या होगा? देयर फॉर वन बिकम्स क्या आएगा? 5x प्लस 3.5 वाई की जगह पे जीरो प्लस 7.5 जेड की जगह पे जीरो, दैट इज इक्वल टू 240। तो ये तो जीरो हो गए, 5x इक्वल टू 240, तो x कितना आ जाएगा? 240 अपॉन 5, ये क्या आ रहा है? होगा 48 आ रहा है। तो x की जो आपके पास मैक्सिमम जो डोमेन आएगी जीरो से लेके 48 तक, ये मैंने प्रोडक्ट ए के लिए काम किया। नाउ यू हैव टू डू द सेम वर्क फॉर द प्रोडक्ट बी एंड फॉर द प्रोडक्ट सी। सो यू हैव टू मेक ए हेडिंग फॉर प्रोडक्ट बी, और आप लिखेंगे सिंस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। Why? Because production can never be negative. For the maximum units of product B, put, अब B के लिए काम कर रहे हैं Y के लिए, तो दूसरों को जीरो पुट करेंगे X और Z को, put X equal to zero, Z equal to zero in one, तो यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम शुरू में आएगा जीरो और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। सो कैन यू डू दिस? यस सर, इंशाल्लाह। भाई हो जाएगा? जी सर, इंशाल्लाह कर लेंगे। जी सर, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है? जी सर। मेरे ख्याल से सर वो इंटरनल वाला क्वेश्चन करवाते हैं, बस फिर क्लास एंड कर दीजिएगा। सर मेरा एक सवाल है। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। सर आप इंटरनल का पेपर कब दिखाएंगे? आई मीन मार्क्स कब बताएंगे? भाई अभी तक चेक ही नहीं किए मैंने। सर अभी तक चेक ही नहीं हुए है। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। वी शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि आपको कॉस्ट दी हुई है और मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है एवरेज कॉस्ट को। तो इसका मतलब है कि पहले आपको एवरेज कॉस्ट बनानी पड़ेगी। दिखाऊं मैं आप इसका सलूशन? दिखाऊं आपको? जी सर। ये शायद इत्तेफाक से मैंने सॉल्व किया है, कब किया है और किसके लिए किया है। बहरहाल जिसके लिए भी किया है आपको तो फायदा ही हो जाएगा। हाँ ये रख ये जुलाई 2016 में आया, आपको कॉस्ट दी गई, यही है ना? 1 lakh plus 300 Q plus 0.5 Q square. तो पहले आप ये काम, यहाँ पर C जो है ना वो टोटल कॉस्ट है। C टोटल कॉस्ट है, एक मिनट जरा होल्ड ऑन। ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है? इकरा, आर यू देयर? जी सर, आ रहा है समझ। समझ भी आ गया, मतलब लिखा हुआ समझ आ रहा है, लिखा हुआ क्लियर है, ये बोला मैंने।
जी ये फंक्शन आपको दिया है सी ऑफ क्यू, तो पहले आप एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका ये होता है कि कॉस्ट फंक्शन को अगर क्यू से डिवाइड कर दिया जाए, अगर सी ऑफ क्यू को हम क्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमने क्यू से डिवाइड, जब हम यहाँ से क्यू से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे भी हमें क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर हम सी ऑफ क्यू अपॉन क्यू को हम सी बार ऑफ क्यू का नाम दे देंगे। तो जब आपने क्यू से डिवाइड किया, जब इस पूरे फंक्शन को आपने क्यू से डिवाइड किया, तो एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि क्यू से डिवाइड हो रहा है, ये भी क्यू से डिवाइड हो रहा है, ये भी क्यू से डिवाइड हो रहा है, तो आपने हर एक के नीचे ब्रेक कर दिया। तो वन लैग अपॉन क्यू है, इस क्यू को ऊपर ले गए तो पावर माइनस वन हो गई, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर था तो एक क्यू से कैंसिल हुआ तो 0.2 क्यू आ गया। तो ये आपके पास ना एवरेज कॉस्ट आ गई सी बार ऑफ क्यू। अब आपके पास ये क्वेश्चन पुराना बन गया, अब आप क्या काम करेंगे, दो डेरिवेटिव लेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आप मिनिमाइज करने के लिए दो डेरिवेटिव लेते थे, तो हमने यहाँ पे दो डेरिवेटिव लिए उसके, सी बार ऑफ क्यू एक डेरिवेटिव आ गया, और फिर उसका एक और डेरिवेटिव लिया तो सी बार ऑफ डबल डैश आ गया, तो ये दो डेरिवेटिव आ गए। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, ये फंक्शन क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है सर, वो क्लियर है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि फंक्शन क्यू का है तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू आप डिफरेंशिएट करेंगे, सी बार ऑफ क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, पावर ये ना पावर नीचे माइनस वन नीचे आया और पावर में से एक माइनस, जैसे कि एक्स की पावर माइनस वन होती है तो डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे और पावर में से एक माइनस। तो अगर एक्स हो या क्यू हो बात तो एक ही है ना, आप विद रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहे हैं, तो पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, और चूंकि ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और 0.2 एज इट इज क्यू का डेरिवेटिव वन, जैसे कि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो क्यू का डेरिवेटिव वन, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वन लैग, और क्यू की पावर माइनस टू हो जाएगी, ये खत्म हो गया 0.2 वन 0.2। ठीक है सर, आप आया, आप क्लियर है, मैं इसका पीडीएफ भेज दूं आपको। जी सर पीडीएफ भेज रहे हैं, बस आगे कर लूंगी मैं, मुझे यही मसला हो रहा था डेरिवेटिव में। सही, ये सॉल्व हुआ हुआ है, इसको देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? बॉयज? नो सर, नो सर। गर्ल्स? नो सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ओके, अल्लाह। नो सर, अल्लाह हाफिज़।